हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ जी, सुजुकी जिक्सर। दोस्तों, मैंने बाइक पहले भी बहुत चलाई है, मेरी मतलब एक तरीके से ड्रीम बाइक है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स लुक इसमें आती है, ठीक है ना जी। जब इसको हम इसमें बैठते हैं, पूरा हैंडल वगैरह और इसकी लुक देखो, आगे से लेके फ्रंट से लेके पीछे तक बिल्कुल ही स्पोर्ट्स है। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं था कि मैं इसको चलाऊं और इसको लूं, ठीक है जी। बट मैंने अभी थोड़ा माइंड चेंज करके मिटियोर ले ली थी, रॉयल एनफील्ड की, ठीक है जी। उसकी अपनी बात है, पर इसकी स्पोर्ट्स लुक की, अगर आप स्पोर्ट्स में जाते हैं तो स्टार्टिंग रेंज के अंदर ये बाइक बहुत अच्छी है, ठीक है जी। अगर आप इसको मतलब देखते हैं, यहाँ से सीट से भी देखते हैं इसकी सीट, तो मतलब आराम से कोई भी हाइट वाला बंदा इसमें बैठ जाता है, ठीक है। मैंने भी अभी राइड किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरी हाइट 5'7" 5'8" है, तो अच्छा एक सही आपका फुट लेंथ आ जाता है, ठीक है जी। पीछे बैठने वाला बंदा थोड़ा सा ऊंचा है, पर ये भी कंफर्टेबल है, ठीक है। और ये बाइक आती है, स्टार्टिंग इसकी जो प्राइस है 1.5 लाख रुपये का प्राइस है जी, दिल्ली का, ठीक है। तो 1.5 लाख के अंदर आपको बिल्कुल निंजा वाली फीलिंग मिलती है, ठीक है। फ्रंट से अगर आप लेते हैं, फ्रंट से इसकी लुक देखें, तो इसका जो वाइज़र है और इसकी लाइट्स, LED लाइट्स, और जो सुजुकी का ये पैटर्न है, ये तो एकदम कमाल है, ठीक है जी। ब्लैक में पूरी आपको लुक इसमें बहुत अच्छी मिलती है। इसको अगर मैं इसकी लाइट्स आपको जला के दिखाऊं, तो इसका थ्रो देखिए और लाइट का कलर देखिए कितना बढ़िया है, ठीक है जी। थोड़ी अभी बाइक गंदी है, पर आपको समझ में आ जाएगा। और ये मेरे दोस्त की है जी, ठीक है जी। इस बाइक को 2-3 साल हो चुके हैं, भाई ने इसमें बहुत ट्रिप मारे हैं, ठीक है जी। इसकी अभी इसकी जो माइलेज है, मतलब इतना इसमें कितना किलोमीटर चल चुकी है, तो ये 28,000 चल चुकी है, ठीक है। तो 28,000 चलने के बाद भी इसका मैं आपको साउंड सुनाता हूँ, ऑन करके देखते हैं इसको। ठीक है जी, ये इसकी साउंड है, तो कोई ज़्यादा साउंड नहीं है, ठीक है ना। कोई जैसे कई बार इंजन में ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉइज़ आ जाती है ज़्यादा चलने के बाद, तो एकदम शांत सही और जितनी वॉइस आनी चाहिए इंजन की वो है इसमें, ठीक है ना। ये देखिए, इसका थोड़ा सा आपको थ्रोटल सुना देते हैं। तो 150 cc इंजन है जी, तो 150 cc डबल सिलेंसर, 150 cc इंजन, ठीक है जी। और इसमें देखिए आप दो सिलेंसर दे रखें, तो इसकी आवाज़ ऐसी आती है। बीच में देखिए शॉकर एक वहाँ दे रखा है, ठीक है जी। इसका जो मतलब शॉकर है ना, बहुत आराम से इसमें दबने वाला है, ठीक है ना। बहुत इसमें अच्छा सा एकदम आराम से इसमें आपको लग्जरी कंफर्टेबल राइड मिलती है, ठीक है। इसकी मीटर की बात करें तो मीटर में इसमें ट्रिप मीटर जो है सारा डिजिटल है, ठीक है। इसमें गियर्स भी शो होते हैं, यहाँ पे फ्यूल गेज यहाँ पे है, स्पीड इसकी, अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें, 125 की इसकी टॉप स्पीड है, ठीक है जी। और हैंडल देखिए आप, हैंडल की जो लुक है, ये बिल्कुल स्पोर्ट्स वाली दे रखी है, ठीक है ना। आफ्टर मार्केट इसमें कोई काम नहीं हुआ, बस एक छोटा सा इंडिकेटर का काम हो रखा है, ठीक है। और कोई इसमें काम नहीं हो रखा। ये जो थोड़े बहुत स्टिकर भाई ने लगा रखे हैं ये इधर, बाकी ओवरऑल कंसोल वाइज बहुत अच्छी बाइक है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप, इसका फुट रेस्ट हमें यहाँ मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके गियर्स हैं, सिंगल लीवर इसके गियर हैं, ठीक है। तो ऐसी करके ये बाइक है, मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ। ऐसे इसमें आप इजीली बैठ सकते हैं, दोनों पैर नीचे लग रहे हैं जी। 5'7" 5'8" हाइट है मेरी, और ऐसे इसमें ज़्यादा बेंड भी नहीं होना पड़ता। मैंने अभी इसको राइड किया है, तो ब्रेक्स इसमें दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं जी, ठीक है। ABS भी है, और डिस्क इसकी ब्रेकिंग बहुत स्मूथ है, बहुत आप इसमें अगर आप 100 के आसपास भी चल रहे हैं तो इसको आराम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें अलॉयज ब्लैक आते हैं, ठीक है, और लो प्रोफाइल टायर आते हैं, ठीक है। चौड़ा टायर है आगे भी और पीछे भी, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, बाहर से कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पीछे भी चौड़ा टायर है, तो कॉस्ट सेविंग बहुत हो जाती है। एक स्टार्टिंग पैकेज है, अगर आपने स्पोर्ट्स बाइक लेनी है तो स्टार्टिंग के लिए बाइक बहुत अच्छी है। पीछे से इसकी लुक देखिए, बिल्कुल स्पोर्ट्स दे रखी है, ठीक है। फिनिश सारी स्पोर्ट्स वाली, और ये इसकी यहाँ पे नंबर प्लेट होती है, और एक ये गार्ड लगा हुआ है। अगर आप इस गार्ड को हटा देंगे तो बिल्कुल ये टायर की पूरी लुक आती है इसमें, ठीक है जी। तो कोई भी और क्वेरी करिए आप, कमेंट करिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, थैंक यू।